आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लंबा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलिक्स पावर्ड बाय सनसिल्क ब्रॉट टू यू बाय डब्ल्यूबी बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। पाकिस्तान सुपर लीग 9 आज जाना था पिंडी, लेकिन पिंडी के तो अलग ही मामला थे। पिंडी में मौसम जो है वो इस वक्त नाखुशगवार है। मैं क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूं, इस वजह से पहला मैच भी नहीं हो सका और दूसरा मैच भी आज नहीं हो सका। सो आज दो मैचेस जो है वो वॉश आउट हो गए पाकिस्तान सुपर लीग के, जिसके बाद अब पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है अगर हम दिखा सकें तो आज फाइनली लाहौर मैनेज टू स्कोर अ पॉइंट बिकॉज आज नहीं इसलिए मैच नहीं हुआ। देखें मैच ही नहीं हुआ ना तो उसमें कमाल नहीं है ना उनका। देखिए उनको पॉइंट मिला, आप देखिए उन्होंने टीम बनाई, ग्राउंड में प्रैक्टिस की, बॉलेज आएगी, बैट्स आएगी, चश्मे आएगी, तस्वीरें खिंचाई। आज उनको पता लगा कि पॉइंट तो उनको बारिश से मिल रहा था। मुबारक हो ना यार। तो लाहौर के लिए हम कह सकते हैं कि जब यानी कराची में तो पता है जब बारिश आती है तो पानी आता है, और लाहौर में जब बारिश आती है तो एक पॉइंट आता है। तो ये लाओ, लेकिन अब सवाल जो हमने क्रिकेट एक्सपर्ट से करना है वो ये कि बहरहाल ये तो जाहिर है अजराए मजाक कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कराची किंग्स ने भी बहुत बुरा परफॉर्म किया है पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में पीएसएल के। हाउएवर लाहौर आज का मैच जीता नहीं है तो दो पॉइंट्स नहीं मिले, एक पॉइंट मिला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लाहौर इज इफ नॉट ऑफिशियली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लाहौर इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, इज दैट द केस? हम पूछेंगे इसलिए कि अब तीन मैच रह गए, वो तीनों हो जाते हैं और लाहौर तीनों भी जीत जाता है तो एट द मैक्स लाहौर स्कोर कर सकता है 7 पॉइंट। अब मैं डिटेल में नहीं जाता, आप ये पॉइंट्स टेबल अपने सामने देखिए तो बहुत आसानी से लग रहा है कि शायद सारी की सारी टीमें 7 से तो ज्यादा पॉइंट स्कोर कर ही लेंगी। आप पूरा पॉइंट टेबल ये देख लीजिए, बल्कि मुल्तान और क्वेटा तो ऑलरेडी 7 से ज्यादा पॉइंट स्कोर कर चुके हैं, पिशावर ऑलरेडी 7 स्कोर कर चुका है। सो इसलिए क्या लाहौर अब आउट हो रहा है इस टूर्नामेंट से, और बाकी टीमों की भी सूरत हाल बात करेंगे। उससे पहले हमारे आज के मेहमान के जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की ऑफकोर्स एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। जब भी कोई सियासतदान मेहमान आता है तो मैं कहता हूँ कि जाहिर है वो एक सियासी नजरिया या राय रखते हैं, जिससे आपका हक है कि आप मुकम्मल इत्तेफाक करें, उसको प्रमोट करें या मुकम्मल इख्तलाफ करें, लेकिन तहजीब के दायरे में करें, यह मैं ज़रूर मेहरबानी करके इस्तदा करता हूँ। लेकिन उनका जो बात करने का अंदाज है, जिस तरीके से वो अपनी राय का इजहार करते हैं तामुल के साथ, सलीके के साथ और कई और हवालों से, मैं ज़ाती तौर पर उनका बहुत ज़्यादा मद्दा हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स में इस तरह के मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, एंड ही इज़ वन गुड एग्जाम्पल। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे? थैंक यू। कैसे मिला? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हैदर रिज़वी साहब हमारे प्राइम 11th आर में आए, तकरीबन कोई आप 8-9 साल बाद किसी स्टूडियो में आए थे उस वक्त। बिल्कुल ऐसे, और इस तर्स के किसी प्रोग्राम में भी आज आप बहुत सालों बाद आ रहे हैं हमारे राइट स्टूडियो में। बहुत ऐसे ही, तो मुझे अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। जज़ाकअल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप कुछ फॉलो कर रहे हैं पीएसएल को या? मैं क्रिकेट फॉलो करता हूं। अच्छा, करता हूं। ओ यस। और इस पीएसएल में आप, अब आपका वक्त इस्लामाबाद में भी गुजरता है, कराची से ज़ाहिर ताल्लुक है, तो आपकी हिमायत किस टीम के साथ है? ख्वाहिश क्या है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, और उसकी वजह? उसकी वजह मासूमाना वजह है उसकी। कराची के सबसे ज्यादा लड़के हमेशा से क्वेटा में खेलते हैं। क्वेटा वाले कराची के लड़के ले जाते हैं। हाँ, क्वेटा वाले कराची के ले जाते हैं। इस वजह से आपको लगता है कि बासित भाई कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे फिर? नहीं, मैंने पहले कहा था ना कराची और क्वेटा टीमें जो हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है हैदराबाद जब लास्ट टाइम आए थे ना, तो गलती से उस टाइम मैं भी मौजूद था। तो ये आप दोनों बहुत पुराने हैं इसका मतलब, बहुत पहले मेरे पीएसएल जब से शुरू हुआ है और ये है। सही है। और आपको लगता क्या है कि सियासत का ये मैच, ये सियासत के मैच में बाद में बात करेंगे, सॉरी, पीएसएल कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम फेवरेट आपके ख्याल में? मेरी ख्वाहिश तो ग्लैडिएटर्स की ऑफ कोर्स, बाकी के जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सही है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और मैं इससे पहले कि क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करूं, अपने दूसरे मेहमान का भी तारुफ करा दूं, मशहूर राइटर
उनके भी अल्फाज के चुनाव का तो मैं बहुत मद्दा हूँ, लेकिन जरा थोड़े कभी कभी जरा तल्ख मिजाज के हो जाते हैं जरा, लेकिन नहीं आपकी बात नहीं कर रहा अच्छा? मैंने कहा अच्छा, उनके अल्फाज का मद्दा हूँ, आपको उसी भी समझाना चाहिए, आपकी बात तो नहीं हो रही ना। तो खलील था हमारे साथ है सर, कैसे खैरियत सर? वसीम तुम्हें कितनी दफा कहा है क्या सर, और मेरे अदब में खड़े मत हुआ करो, बैठ जाओ, ये अदब इतना भी नहीं होता। मैं मुझे आपके अदब में कुर्सी लेकर आओ है मुझे आपके अदब में खड़ा होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त तो मैं शो के फॉर्मेट की वजह से खड़ा हुआ ना, तो मैं इस वजह ठीक है जी जी सर। तो मैं भाई हाँ। सर को बता दें कराची में बैठे थे, खैर है नहीं सारा मुल्क शहरी सारे शहरी अपने, तो ये बताएं अब फिर मैं हैदर भाई से जरा तफसीली बात करते हैं, लेकिन बासित भाई ये अगर पॉइंट से अपने साथ साथ दिखा सकें, ये लाहौर कलंदर के लिए टूर्नामेंट आगे जारी रखना अगले मरहले पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है, 1% चांस है। अच्छा सारी टीमें हारे लाहौर सारे जीते बाकी बहुत सारी टीमें हारे, तो वही बात है ना, पाकिस्तान टीम के लिए जो होता है ना दुआएं, आपको याद है ना दुआएं बोलनी थी, तो अब ये बाहर हो गया है। आपका भी कमेंट में अभी सिंपल मैच से लग रहा है कि लाहौर के लिए टूर्नामेंट बहुत मुश्किल हो गया है, तकरीबन नामुमकिन, ये मैच भी हो जाता है तो मुश्किल ही था, तो भी भरना पड़ता, अच्छा मुश्किल ही लग रहा था, अगर ये सारे मैच जीते हैं तो 8 पॉइंट होते, अगर आज समेत पिशावर सारे मैच हारे 7 पे फिर 100 पे आएंगे, तो 100 बहुत नीचे है, तो मेरे ख्याल से अब लाहौर सिर्फ 3 मैच खेले जीते, थोड़े से 1 के बजाय 7 पॉइंट कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी टीमों के लिए चांस अब ये है कि टॉप 2 में किसने फिनिश करना है, मुल्तान तो मुझे लग रहा है नंबर 1 नंबर 2 फिनिश करेगी, लेकिन लेट्स सी बाकी जलमी और इस्लामाबाद। आप पास एक क्विक सवाल आप दोनों से, ये आप दोनों के लिए इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज है लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के साथ में से एक भी मैच नहीं जीती है? बिल्कुल सरप्राइज हम लोगों के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए, सही है कि ये किस तरह जिस तरह इंडिया फाइनल हारा ना वर्ल्ड कप का, सारे जीतते हुए मेन हार गया, सरप्राइज है कि ये बॉटम पे है टीम, सबसे बड़ी टीम। मैं तो कह रहा हूँ कि लाहौर की जो 3 मैचेस बचे हैं वो मैं आज से ना ही खेले, 3 दिन के लिए नथिया गली चले जाए, टीम रिलैक्स होगी, एंजॉय कर लेगी, खेल के तो होना नहीं वो अभी नथिया गली है, बारिश हुई है, क्या कहते हैं मेरी पंजाबी अच्छी नहीं हो, क्या कहते हैं नहीं खैर मिसाल भी गलत है वैसे, आदि भाई अगर ये नहीं खेलेंगे ना सामने वाली टीमों को पॉइंट्स मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो कोई मुखालिफ में दुश्मन का लफ्ज तो गलत हो जाता है इसलिए मैंने, लेकिन अगर कोई मुखालिफ टीम हो उसके साथ ही बुरा हो रहा तो खुश नहीं होना चाहिए, वो सजन भी क्या होता है वो मुहावरा है, वो सजन भी कभी एक दिन हार जाता है, वही 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 हां। तो खैर सर लेकिन ये आप इस ये पेन मैंने देखा हमेशा इस तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, खास वजह है इसकी? आपको लग रहा होगा कि मैं इंक का नशा करता हूँ मैंने तो घर में जो लोग पेट के लिए जो बिल्लियां रखते हैं मैंने बिल्ला रखा हुआ है, अच्छा यस वसीम तो अब क्या क्या और ये जो है मेरी ताकत है और जो भी मेरा ख्याल आता है जहन में हाँ। और ये लिख देता है कलम, अच्छा शकला कबूम वैसे वसीम सर मैं हाँ। मैं चाहता हूँ 2 लोगों की जिंदगियां बना दूं, अच्छा पहला अननोन किस्म के लोग हैं 2, अच्छा इधर ही मौजूद है हाँ। और मैं एक ड्रामा लिख रहा हूँ अगर तू उनसे डायलॉग बुलवा दे, आप तू नहीं क्या की बात कर रहा है प्यार में, तू मेरा छोटा भाई अदब से इतनी देर खड़ा, चला कर 2 लोग बैठे हुए मेरे सामने, ठीक है मैं चाहता हूँ उनको रातों रात शोहरत की बुलंदियों में पहुंचा दूं, अच्छा और एक ड्रामा लिख रहा हूँ उसका डायलॉग है कि अनारकली हाँ। यहाँ से निकल चलो लौंडे आ रहे हैं, नहीं सर लड़के आ रहे हैं, ठीक है आप इसको लड़के कर दो, ठीक है अगर इन दोनों ने सही तरीके से बोल लिए हाँ। तो मैं जो अगली फिल्म बना रहा हूँ कमर का दर्द, ये वाली कमर, ये नहीं कमर, मेरा एक सवाल है हाँ। ये जो आप ड्रामा बना रहे हैं जिसमें अनारकली है, इसमें अनारकली भी लड़का है, थोड़ी देर के लिए कर देते हैं ऑडिशन के लिए, ठीक है सर मैं ऐसा करता हूँ इनको अगर बुलवा दें आप, आपने सिचुएशन दे दी है जरा प्रैक्टिस कर ले, मैं ब्रेक के बाद मैं इनसे करवा लूंगा, अभी मैं जरा इन लोगों से प्रैक्टिस करवा, मैं ब्रेक में फिर देखते हैं इसके बाद ये तैयार है, मैं चंद मुखड़े अपने भाई के लिए, किन के लिए? हैदर भाई के लिए सर, वो मैं उसके लिए ना वो शेरों का पूरा सेगमेंट आएगा, तो अलग रखा हुआ है, मैं अलग रखा हुआ, अलग पूरा है, आप एक काम करें आप गेस्ट बने अबू ना बने, आराम अशार का पूरा सेगमेंट है, और आज मैंने इनसे भी खास रिक्वेस्ट की कि हैदर भाई आए हुए हैं जिनको उर्दू नहीं पता नहीं फारसी और पता नहीं क्या क्या जबानों, तो आज जैसे शेर सुना दे वैसे नहीं सुनाना, आपको पता है थोड़ी इज्जत रख लेना, आपकी इज्जत रखने के लिए हाँ। कामरान भाई बासी भाई एयरवाई न्यूज की इज्जत रखने के लिए हाँ। मैं कल से एयरवाई स्टूडियोज में हूँ, घर नहीं गया हूँ, और ये मेरा होमवर्क है, ये मैं आज लिख के लाया हूँ ताकि कोई गलती ना हो, हमारे साथ
मेरी वजह से किसी की रिस्पेक्ट खराब है। आज वो फजूल शेर नहीं होंगे डब्बे में डब्बा और मैंने उसको देखा और तुमने मुझे देखा। शेर थोड़े होते हैं यार, अच्छा वो मजाक होता है। अरे आदि भाई ये वाइट इंसेंट तो नहीं लिखा है, लिखा। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हैदर भाई हमारे साथ हैं, जरा कुछ मासूमाना खेल की तरफ बढ़ते हैं। मासूमाना ओवर होता है हमारा, ये सवाल इन्होंने लिखे हैं, ठीक है मैं बता दूं। तो मासूमाना ओवर की पहली गेम की तरफ बढ़ते हैं। आपने लिखे ना सवाल, अब इन्होंने मान लिया है, अब कोई इसकी नाराज हो तो आपकी जिम्मेदारी है। जी जी सवाल, ठीक है भाई, नाराज नहीं होते। चलो भाई, हाँ ऐसी मजाक। चले भाई, तो ये हाँ या ना में कुछ जाओ। ठीक है जी, ओके चले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम होते हैं? मेरा ख्याल है हाँ। ओके, और शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा से बेहतर वजीर आला होते? येट टू प्रूव, क्योंकि अभी मरियम साहिबा को चांस नहीं मिला है परफॉर्म हाँ। करने का, मगर शहबाज साहब अहले पंजाब ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे सीएम रहे हैं। सही है। अच्छा, ये सवाल हमने अक्सर कराची के रहने वालों से पूछा है, आप तो कराची के रहने वाले भी रहे हैं, फिर कराची के करता धरता भी रहे हैं, तो मैं हूँ कराची का, बानियों में से, तो बानियान में से, तो ये सवाल है कि मैं कराची वाला हूँ और सच्ची बात ये मेरा भी मोबाइल छिना है। मैं कराची वाला हूँ और मेरा भी मोबाइल छिना है। ओए आपसे किसने छीन लिया? वो कराची वाकई में वो कराची वाले का मेरा मोबाइल छिना है, गुज़िश्ता बरस छिना है। मार्च कई महीना था, मैं कब्रिस्तान जा रहा था मेवाशाह हाँ। और शबरात थी और मैं अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जा रहा था। सही है। तो वहाँ 12 डाकू आए, हम 4 लोग थे और हम चारों, मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा और एक उसका दोस्त, हम 4 लोग 2 मोटरसाइकिल्स पे थे हम। अच्छा, आप बगैर आसुक कोई आपके साथ? कोई साथ नहीं था और हमें डाकुओं ने घेर लिया मेवाशाह के बाहर और हम FIR है थाने में, पाक कॉलोनी में। और मुसल्ला उन्होंने जो तरीकेकार होता है, मतलब मोबाइल गया, घड़ियां गई, वॉलेट्स गए, बल्कि वो तो मेरा सिगरेट का पैकेट भी ले गए। सिगरेट भी ले गए और वो बाद में मैंने पी लिया था। और 12 लोग थे, उन्होंने 3 ओवर का मैच भी खेला है, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर के साथ ये गलत हुआ है, मेरे ख्याल से हमें शर्म आनी चाहिए। और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एयर वाई न्यूज एंड हर लम्हा पुर जो सर आपको मोबाइल और एक बेल्ट भाई मेरा मोबाइल भाई मेरा अपना फोन मेरा मेरा सर मैं मासूम मैं कह रहा हूं खुदा की कसम मेरे पास सिगरेट का पैकेट नहीं है वरना वो भी मैं आपको दे दूं। अच्छा बच्चे ने सवाल है, अगर डाकुओं को पता होता ना हाँ। कि हैदर भाई कौन है, अल्लाह की कसम कभी नहीं लेते। बचा नहीं सके होंगे। सही है, ठीक है। अच्छा भाई हाँ या ना, मुत्तहिदा, मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौम यूनिट को हुकूमत में अभी जो बनने वाली है या बन गई है तकरीबन, मुत्तहिदा को हुकूमत में बैठना चाहिए हाँ या ना? मेरे ख्याल से अभी वक्त नहीं है। नहीं बैठ रहे, ओके। मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में बैठना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके राइट। कामरान टिसोरी साहब को गवर्नर सिंध बरकरार रहना चाहिए? मेरे ख्याल से गवर्नर एक सेरेमोनियल पोजीशन है, इससे कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा हाँ। सो रहे ना रहे, आप रहे ना रहे हाँ सही। अब कामरान टिसोरी अब तक के मुत्तहिदा के बेहतरीन गवर्नर रहे हैं? शायद ऐसा कहना मुश्किल होगा, मगर ये कि एक वक्त था जब डॉक्टर शिल्लबाद थे तो उनकी बड़ी वाइटल पोजीशन थी, वो बड़े पावरफुल गवर्नर थे। अभी तो बड़ी सेरेमोनियल पोजीशन है, सही है, उस वक्त बड़े पावरफुल गवर्नर थे। सही है। अभी वो एपिसोड हुआ था ना ऑडियो लीक्स का, मुस्तफा कमाल साहब की और कामरान टिसोरी साहब की, तो हाँ नाम सवाल है कि अंदाजा है मुझे, अंदाजा में नाम नहीं पूछना, अंदाजा है मुझे कि मुस्तफा कमाल और कामरान टिसोरी की ऑडियो किसने लीक की होगी? नहीं मुझे अंदाजा, यू हैव नो आइडिया। लेकिन ये तो तय है कि जाहिर शुरका में से जाहिर अंदर में से और तो कोई नहीं। इट वाज सरप्राइजिंग फॉर यू? यस इट डेफिनेटली वाज। इट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर यू कि यार अंदर की बात सर? इट डेफिनेटली वाज फॉर श्योर। और ये एमक्यूएम में ऐसा नहीं हुआ है पहले, एमक्यूएम में ऐसा कभी, मतलब हमने इससे बहुत ज्यादा हसास मैटर्स बातें की और कभी पब्लिक में नहीं आए, मगर कभी पब्लिक में आया नहीं। और आपको लगता है कि इसमें एमक्यूएम लंदन से वापसी वालों को हो सकता है हाँ या ना? जाहिर है कि मैं क्योंकि हतमी तौर पर जानता ही नहीं, नो आइडिया, तो आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट। सही है। हमारे साथ भी धांधली हुई है और असल में हमें 17 से ज्यादा नशिस्तें मिली थी हाँ या ना? देखिए अभी आपने तो एक मासूमाना सवाल गजल छेड़ दी है। अच्छा, अगर अब इसका जवाब पूछ ही लिया है तो लेते जाइए। मेरे नजदीक कराची से एमक्यूएम को 40 नशिस्तें मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, नेशनल असेंबली की
मैं नेशनल असेंबली की बता रहा हूं। नहीं है किस तरह आप नहीं, 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 नहीं। आप क्या समझते हैं कि धांधली सिर्फ इलेक्शन के दिन होती है? नहीं, बाद में भी होती है, पहले भी होती है। मर्दुम शुमारी शुरू होती है, कराची की आबादी आज भी आधी से कम दिखाई गई है। अगर कराची की आबादी पूरी दिखाई जाए तो कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। अगर 3.5 करोड़ कराची की आबादी हो तो कराची की नशिस्तें कौमी असेंबली की 45 होंगी, और उन 45 अगर वो जेन्युइनली मर्दुम शुमारी और कराची में नशिस्तें हों और उसमें जेरी मेंडरिंग नहीं की जाए हल्का बंदी, तो 45 में से कितनी जीतनी चाहिए एमजीएम को? 34 तो होनी चाहिए। अच्छा ये तो हो गया अगर होती है। अब जो 21 है, नहीं अगर होती नहीं, नहीं है ना, आप इसको मानिए। हाँ अभी तो मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ ना, फैक्ट ये कि इस वक्त 21 सीटें हैं, 45 नहीं। मैं अब भी समझता हूँ कि अब भी कराची में इलेक्शन प्री रिग्ड था इलेक्शन से। आप जरा अगेंस्ट एमक्यूएम, अगेंस्ट मैं आपको दलील देता हूँ। आप तो आपके ख्याल में नहीं, अभी 21, अभी कराची की 21 में से एमक्यूएम जीती है 15, एमक्यूएम असल में से ज्यादा जीती थी 21 में, तो उसी की बात करेंगे। 18 सीटें जीत चुकी है कराची से। मैं आपको वाजे मिसाल दे देता हूँ, आप इसमें हाँ कहने में भी कुछ आप कहें, हाँ भाई हम या कह देना, जो भी आपका ख्याल है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम को कम सीटें मिली है, मैंने एमक्यूएम से ज्यादा जीती थी, जीतने 22 हो गई अब तो, वैसे 21 अब तक किसी एक बढ़ गई थी ना, 22 हो गई अब। सही है, एमक्यूएम पर इलेक्शन में धांधली के तमाम इल्जाम बिल्कुल गलत है भाई। मेरे नजदीक इसलिए बिल्कुल गलत है कि सिंध से कौमी असेंबली की जो नशिस्तें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज हुई हैं वो 3 हैं। नहीं मैं तो माजी में हिस्टोरिकली बात कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है। कराची का मैंडेट लोगों से हजम होता नहीं है, एमकेएम ने कभी धांधली, कराची का मैंडेट हजम नहीं होता लोगों से, कुछ ना कुछ करके ब्लेम गेम कराची के मैंडेट के साथ करना है उनको। नहीं मेरा मासूमाना सवाल ये, मैं तो आपको इस सवाल को आप बतौर इल्जाम क्यों ले रहे हैं? तो सवाल है तो नहीं ले रहा मैं, तो आपको वो माइंडसेट बता रहा हूँ जिस तरह कराची के लिए सोचा जाता है और पहले से प्लान करके बैठे जाता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है। अच्छा, तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो गया, सारे इलेक्शन ठीक हो गए, गलत हुआ होगा तो कराची में हुआ होगा। कराची ज्यादा इल्जाम तो पंजाब में भी लग रहे हैं इस दफा। भाई वो बारियां लगाते हैं, हम मुस्तकिल बारी के नीचे रहते हैं। अच्छा इसका मतलब ये होगा कि अब मैं सवाल कर लेता हूँ, मेरा अंदाजा आपका जवाब इसका भी ना होगा, एमकेएम पे भत्ताखोरी के इल्जाम भी गलत है। गलत है बिल्कुल। एमक्यूएम पे बसों को जलाने के इल्जाम भी गलत है। किसका? बसें वगैरह जलाने की दुकान थोड़ी बहुत अगर हुई हो तो मैं उससे वो नहीं करता, जो हंगामे होते हैं शहर में और होते थे और जिस तरह फसादात फूटते थे तो फिर उसमें तो कुछ भी हो सकता था। 27 दिसंबर याद होगा आपको, 800 गाड़ियां जली थी हाईवे पर, गलियों में नहीं जली थी उसमें, छोटे शहरों में नहीं जली थी, सिर्फ हाईवे पर जली थी। क्यों? आपकी नहीं थी इसलिए। मेरी नीति इसलिए क्या बात? एक बात की है, झूठ बोला है ऐसे ही, है झूठ बोला है ऐसे ही, एक बात की है। नहीं मेरी नीति से समझा नहीं है। आपसे मुराद आप नहीं है। हाँ, मेरे से मुराद कौन है? मेटाफोरिकली आपको कहा। सो असल में मुराद कौन है भाई? जिस जो हाईवे पे गाड़ियां जला रहा है, मोहल्लों में नहीं जला रहा। अच्छा मैं आपकी कॉनोटेशन समझ गया। अच्छा भाई अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स। सर मेरा एक मासूमाना सवाल है सर। हाँ जी सर, आप ईमानदारी से बताएं, ये सवाल आपने सुने, मेरी शक्ल भी देखी, मेरी शक्ल से लग रहा है मैंने लिखे होंगे। ये सवाल मैंने इतनी बजा दे रहा है कि मैंने सवाल नहीं लिखे थे भाई। मैं जानता हूँ। वैसे जवान से बूढ़ा हो गया इसके सवालों के जवाब। अच्छा भाई फिल इन द ब्लैंक्स, अब आप ब्लैंक में कुछ भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई लफ्ज जुमला जो भी आप चाहे कह सकते हैं। सो एमक्यूएम का अगली हुकूमत में जाना डैश होगा? मेरे ख्याल से फौरी सूरत हाल तो ये बताती है कि अभी एतराज किया जाए तो बेहतर होगा। सही है, एमक्यूएम से इत्तेहाद ना करती तो पीएसपी का मुस्तकबिल डैश था। हाँ मतलब मेरे नजदीक पीएसपी का मुस्तकबिल जो था वो शायद वाजे नहीं था, गैर वाजे था। हाँ। सही है, 22 अगस्त की तकरीर डैश थी, गैर जरूरी। एमक्यूएम लंदन डैश, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान डैश है। एमक्यूएम पाकिस्तान ऑन ग्राउंड है, लंदन ऑन ग्राउंड नहीं है, उनके पास फील नहीं है ग्राउंड की। मेरे लीडर का नाम डैश है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। सही है, और आखिरी सवाल ये
जिसका इन सबको बड़ा मजा आता है वो ये कि हम ये फिल इन द ब्लैंक में आखिरी सवाल करते हैं कि मेरा फेवरेट शेर डैश है, तो आपने अपना जो भी फेवरेट शेर हो या नज्म हो या गजल हो वो पता बतानी है। अभी अभी गाना भी है। हाँ गाना भी है। नहीं नहीं गाना गाना ब्रेक में चले जाए और उसके बाद ये कि फिर ये साहब एक शेर सुनाएंगे और वो साहब एक शेर सुनाएंगे, फॉर्मेट है। ये जो आवाम 18 लाख आपके सामने बैठी हुई है, पहले मैं कहने वाला था कि ये फैसला करेगी कि किसका शेर अच्छा है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला तुम्हें पता है क्या करेगी, अनाउंस कर देगी उस वक्त बस कि किसका शेर अच्छा है, फैसला तो मुझे अंदाजा हो गया क्या करेगी। तो पहले आप सुनाइएगा या बैलेंस आप मेरा ख्याल है इरशाद। शेर यह है कि कच्चे घरों को छोड़ के कश्ती में आ गए, कच्चे घरों को छोड़ के कश्ती में आ गए, दरिया का खौफ लोगों को दरिया में ले गया। क्या बात है। वाह। एक एक आदमी शेर और सुना दें आप, इतना अच्छा आपका अंदाज़ है। पढ़ा लिखा आदमी कितना अच्छा होता है ना? पढ़ा लिखा आदमी कितना अच्छा होता है। बहुत टाइम बाद लिखा। एक और क्योंकि हमें तो इनके अशआर सुनने की आदत हो गई है, तो अब बहुत टाइम बाद मयारी शेर सुन रहे हैं। किससे पूछूं मैं भला मंजिले जाना का पता, किससे पूछूं मैं भला मंजिले जाना का पता, उसको लग जाती है चुप जिसको खबर होती है। क्या बात है। वाह वाह। खवातीन हज़रात, अचानक अशआर के मयार में बहुत जंप आने वाला है, इसलिए मैं ब्रेक लेता हूँ ताकि थोड़ा सा वो हो जाए उसके अपनी वो बांध लें सीट बेल्ट, जहाज अभी बहुत हिचकोले खाने वाला है, अभी एकदम यहाँ से यहाँ आने वाला है अशआर का मयार और जहाज, तो देखते हैं कि इनके पास कौन सा शेर है। लेकिन अब मैं ब्रेक का सहारा लेता हूँ ताकि जरा ये माहौल जरा कुछ ईजी हो जाए, फिर आदि भाई का सुनाने वाला माहौल हो जाए, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। खुश आमदेद एक बार फिर, आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। जैसे मैंने कहा हमारा अशआर का रोजाना एक सेगमेंट होता है, लेकिन आपको पता है कैसे ही होता है, लेकिन मैंने कल से इनसे कहा था कि भाई हैदर भाई आ रहे हैं, तो ज़रा तो मुझे खुशी है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं। हर लम्हा पुरजोश की तारीख में पहली बार कोई ढंग का शेर, वो आ रहा था मैं जा रहा था और डब्बे में डब्बा, ऐसा शेर नहीं होगा। आप भी हौसला अफजाई फरमाइएगा। हाँ बुमरो, पता नहीं क्या तंग आ गए थे। प्लीज ब्रेक में बड़ा नाराज हूँ मुझसे कि यार आप क्या समझ रहे हैं, कह रहे हैं मैं उस तरह के अशआर आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए सुनाता था, वरना मेरा भी ज़ौक बहुत अच्छा है। अच्छा, और अभी हम तकाबुली जायजा वाला भी सेगमेंट खेलेंगे ना। कौन सा वाला? तकाबुली जायजा। तकाबुली जायजा क्या है? तकाबुली जायजा। जायजा और शेर सर। हाँ इरशाद, इरशाद को रोकें दो मिनट जरा, एक बात बात करनी है। शेर सुनाने को ही कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने फादर का। ओ भाई आप शेर सुनाओ, क्या हो गया? तकरीर नहीं है, मुशायरा नहीं है। क्रेडिट्स दे रहा था। नहीं आप शेर सुनाए। आप बुलाए उसको जो नाम ले रहे थे आप लोग। इरशाद इरशाद। हाँ अर्ज किया है इरशाद। बस के हो गालिब असीरी में भी आती जीरी वारा पार, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जरपा, मोए आतिश दैदा हल्का मरीजा नजीर का। भाई बहुत खूब। ये क्या किया आपने? बहुत खूब। आगे भी है। ये क्या किया आपने? शेर सुना रहा हूँ, आगे है। हो गया शेर। एक और भी है इसके आगे। फजा ए खंदा गुल तंग वजू का इश्क बेपरवा, फजा ए खंदा गुल तंग वजू को इश्क बेपरवा। ये उल्टा तो नहीं पढ़ रहे आपको? लगा आप ये शेर पढ़ सकोगे आप? जी जी ये शेर हैदर भाई आप जरा यार ये मतलब आपका कॉन्फिडेंस हैदर भाई ये जरा सुनाएंगे जरा। कौन सा? फजाए खंदाए ये शेर सुने, ये शेर ये सुनाने चले थे जरा। कोई साहब इसमें से जो चाहे पढ़ दें। बस के हूँ, जो शेर इन्होंने सुनाने की कोशिश की थी वो ये था, और आप इनके कॉन्फिडेंस की दाद दें कि इनको लगा मैं ये शेर ये यार ये गालिब के दीवान की पहली गजल का मक्ता है। ये बताओ ये तो लिखा हुआ ही नहीं है। ये लिखा हुआ नहीं, उनको पता है ये बात।
फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, काव कावे सख्त जानी हाय तन्हाई, न पूछ सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। और आपने जो मक्ता पढ़ा आपने लिखा था वो, हाँ, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हलका मेरी जंजीर का। ऐसे भाई सर आपका एक, इन्होंने एक और शेर की भी इन्होंने ऐसी तैसी की थी, वो भी जो आपने एक आखिरी ये भी सुन लें, जो ये शेर भी पढ़ने की कोशिश की थी। फजाए खंदा गुल तंगो जौके ऐश बेपरवा, फरागत गाह आगोशे विदाओ दिल पसंद आया। ये किस तरह के दिया था वो? सर ये आपने क्यों पढ़ने की कोशिश की थी? हेलो, ये किसको फोन मिला रहे हैं? अम्मी आपको कहा था उर्दू में लेके देना। नहीं, उर्दू ही थी ये, उर्दू में पढ़ा उन्होंने। वसीम भाई ये आप क्यों लिख कर आए थे? मुझे लगा कि जरा अच्छा हो जाएगा। तो ये इतना मुश्किल आपको लगा पढ़ लेंगे? मेरे चाचू ने भी लिख के दिया था, वो सुना देता हूँ। क्या हो गया मेरी मोहब्बत में खो गए थे, क्या हो गया मेरी मोहब्बत में खो गए थे, आलूमिया आलूमिया कहाँ गए। आप ये सुना मेरी मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं आप यही सुनाया करो, आप यही सुनाया। सर क्या कर रहे हैं? गलत सुना दिया। मैं क्या हो गया भाई? मैं पढ़ो अगले राउंड की तरफ। सर हो गया सर, मैं इसके बाद रिस्क नहीं लेता भाई। प्लीज वोट ना करवाइएगा, क्लैपिंग करवा दीजिए। हम बिला मुकाबला मुंतखिब कायले हैं, बिला मुकाबला। और इससे पहले कि मैं अगले राउंड की तरफ जाऊं, अब उन्होंने शेर पढ़ दिए, अब पढ़ सकते हो आप ये देख के? जी 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 जी, आप पढ़ दो, जल्दी से पढ़ दो, मैं अगले राउंड की तरफ जा रहा हूं। फजाए खंदा गुल दंगो दिंग नंग रिंगले। चल टीम पे आ गए, बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। चल कोशिश तो कर रहा हूं भाई, ये इस कोशिश में 150 साल लग जाएंगे। आज तो मेरा भी दिल चाह रहा था हैदर भाई भाई, लेकिन बस आज हैदर भाई ने कलम तोड़ दिया, खत्म। अब ये इन्होंने कुछ सवालात बनाए, ये मैं आपको इसे बता रहा हूं ताकि आप जैसा शेर का मयार था उसी मयार के सवालात होंगे। हो सकता है आपको, क्योंकि लोग जब इनके सवालात देखते हैं तो कहते हैं कि शेर अच्छा सुनाते हैं, और जब शेर देखते हैं तो कहते हैं नहीं सवाल अच्छे बना अच्छे। तो हो जाता है आपको सवाल लेके लगे कि नहीं इससे अच्छा तो शेर सुना रहता है। तो ये है मामला। तो और इन्होंने इस सेगमेंट को नाम दिया है कॉमन सेंस का। तो शर्मिंदगी हो रही है। हाँ तो बढ़ते हैं पहले सवाल के जाने। हाँ भाई, ऑडियंस आपने नहीं मदद करनी, वो आदि साहब पूछते हैं कि वो कौन सी चीज है जो बिना खाए पिए आपकी चीजों की हिफाजत करता है, कौन सी चीज है जो खाए पिए बगैर। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो तो खाता पीता था चौकीदार नहीं। ये चीज मोटा भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, हर अच्छा हर तरह का होता है। पुलिस वाले नहीं, नहीं खाते पीते तो है ना। चीज है, चीज हथियार, हथियार। हाँ हथियार, नहीं नहीं हथियार थोड़ी हिफाजत करता है। 9mm या कौन सा कोई हथियार हिफाजत करता है ना बिना खाए पिए। हो सकता है आपने कुछ और हथियार, आपने अपनी सोच के हिसाब से जवाब बनाया, उन्होंने अपने हिसाब किताब से जवाब बनाया। वो भी सही है, वो भी सही है, जवाब था दोनों का। हाँ, लेकिन अब जिसकी जितनी सोच है वो उस हिसाब से सवाल का जवाब बना रहे हैं। ये लगे मासूम आज आप। आपने जो जवाब, क्योंकि टेक्निकली ये जवाब गलत तो नहीं है मेरा ख्याल। हाँ, सही कह रहे हो। खवातीन और ज़ाहिर है, जो हर आदमी अपनी बिसात के हिसाब से सोच सकता है। आदि भाई ने 4.5 घंटे ये सवाल सोचा, और उसके बाद इनकी नजर में जो सही जवाब था वो क्या था पहले वो दिखाएं, वो था ताला। ताला हैदर भाई ने 4.5 सेकंड सोचा, और जो उनकी नजर में जवाब था उन्होंने वो बताया। सही है, जवाब दुरुस्त है, सही है। 1 point लॉक। आज तो मुसलसल आप अगला जवाब, अगला सवाल देख। जी जी, मैं कल छुट्टी लेना चाहूंगा। सही है। अगले सवाल में आदि साहब फरमाते हैं कि दुनिया का वो कौन सा बादशाह है इसके पास पैसे नहीं होते हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम। ताश की गड्डी में जो बादशाह होता है, ताश वाला जो बादशाह होता है, ताश की गड्डी में जो बादशाह होता है। आदि भाई आप इस्तीफा दे रहे हैं, आपको फायर कर रहे हैं। मसला पता क्या है भाई? पहले ये भाई जान, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिम्बाब्वे की टीम नहीं है। मसला ये है, मैं ज्यादा जाहिल हूँ, वो ज्यादा पढ़े लिखे। यू तफरीक बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा फर्क है, मैच नहीं हो पा रहा हूं। तो इसमें भी खवातीन सही है, आदि भाई के साथ प्रैंक हो गया। इन्होंने अपने तौर पे एक सवाल बनाया था, 6.5 घंटे इस पे लगाए थे, इसका एक जवाब सोचा,
हैदर भाई ने 6.5 सेकंड में जवाब बताया, जवाब ये भी सही है, तो सही है। तो इन्होंने जो जवाब सोचा था कि दुनिया का वो कौन सा बादशाह जिसके पास पैसे नहीं होते, वो क्या था दिखाएं, इन्होंने कहा शेर, जो जंगल का बादशाह होता है। लेकिन जो हैदर भाई ने जवाब बताया ताश के पत्तों पर होता है, वो जवाब ठीक है। तो एक बार फिर आउट क्लास, मैं कह रहा हूँ अगला सवाल रहने दे। नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, बात आगे बढ़ाए। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। खैर खैरियत पूछ ले उनसे। नहीं, 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 आज इनकी तबीयत साफ करवाए। आज जरा हाँ, सारे हिसाब किताब आज। तो अगला सवाल दिखाएं मैं आज, वो क्या है जो दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार और साल में एक बार भी नहीं आता। नहीं, जब दिन में एक बार आ रहा है, हफ्ते में 3 बार आ रहा है, तो साल में तो बहुत बार आता हूँ। अक्सर लोगों को लगता है डकार की बात हो रही है। किसकी? डकार की। यार क्या हो गया? अच्छा वो नहीं है। हाँ, इससे अच्छा इजी जवाब को आज भी आपने आज हैदर भाई अकेले खेले से कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, ये बता दो। मैं हम चाहते हैं यार एक आज ऑडियंस ही कमाल है भाई, खामोश एक मिनट सबर। हैदर भाई दिन में एक बार नून 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 तो इख्तदार में आ गई, आप कह रहे हैं साल में नहीं। क्या दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार, इसी में जवाब। दिन में भी नून है, 3 में भी नून है, तो नून तो हो ही नहीं सकती ना, ये इसी में जवाब भी है। और साल में हौसला बासित भाई, हौसला करें, और साल में एक बार भी नहीं आता। बासित भाई आज पकड़े नहीं जा है ना। हाँ क्या है बासित? नुक्ता नुक्ता। दिन में एक बार आता है, हफ्ते में 3 आते हैं, तीन आते साल में एक बार, और साल में एक बार भी नहीं आता। क्या बात है, और इसके साथ ही नई तारीख भी रकम हुई हर लम्हा पुरजोश की। 12 साल तारीख है, पहली बार किसी मेल गेस्ट को भी बासित भाई ने जवाब बताया। बहुत सारी तालियां। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इसका जवाब। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, कल मैच है मुल्तान कराची का। पहले क्विकली प्रेडिक्शन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपके ख्याल में कल का मैच कौन जीतेगा, मुल्तान या कराची? कराची। ओके सर, मुल्तान। मुल्तान क्या लगता है बासित? कल तो बारिश है, मैच नहीं होगा कल पिंडी में, कराची में। कराची में ना, नेशनल सर। मुल्तान। मुल्तान सर। मुल्तान। मुल्तान सर। मुल्तान। ओके इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या होता है। जाते जाते हमारी तरफ से एक आखिरी कोशिश, ये भी आदि मैंने कुछ बनाए कुछ क्रिकेट से मुतालिक सवाल, अभी देखते हैं कि इसमें हैदर भाई के अंदाजे कितना ठीक साबित होते हैं या नहीं। आज तो नहीं बढ़ते हैं, आज नहीं बढ़ते हैं तीसरी गेंद की जाने। ये आपने बताने हैदर भाई कि गेंद किस तरफ जाएगी आपके ख्याल में, बॉलर आए गेंद की, ओए होए, ए बी या सी, क्या लग रहा है? बी। आपको लगता है बी? बासित भाई पहले, हैदर भाई बताए। बी 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 बता चुके खुदा कसम, असूलन तो जाना चाहिए एक ही तरफ, लेकिन शॉर्ट से लगता है कि मैं ए पे ही जाता हूँ। चले सारे शॉट इस तरफ है। आप कह रहे हैं ए। हाँ भाई और कामरान भाई कह रहे हैं सी। अच्छा तीनों ने अलग अलग बताए, हैदर भाई बी, कामरान भाई सी और बासित भाई ए। देखते हैं भाई, अब बॉलर आए, बॉलर नहीं आए, आए अरे बी की तरफ। बी कौन सा हुआ? यानी हैदर भाई ने कहा था ना, हैदर भाई सही हो गए, द ओनली वन इन द। अरे कम एज लगा ना इसलिए, होता तो नहीं जाता। देखते हैं अगली अगली गेंद दिखाए भाई, बॉलर आए गेंद की, आप बताइए किधर जाएगी गेंद? हैदर भाई ए। सबका मुश्तरका ख्याल है कि गेंद जाएगी ए। खलील भाई सी कह रहे हैं, देख दिखाए भाई, सी तो नहीं, बॉलर आए ए या बी, ए कह रहा है। सबका अंदाजा ठीक साबित हुआ। और जी आखिरी गेंद दिखाए भाई, क्या है? बॉलर आए गेंद की, ये क्या लगता है हैदर साहब? सी बी। हाँ बी सी, क्या कह रहे हैं? बी सी सी। आप, आपका भी ख्याल है सी? बी बी। कामरन में कह रहे हैं बी और आदि भाई सी, और आदि भाई और हैदर भाई का ख्याल है सी। दिखाए भाई, बॉलर आए और ये बी की तरफ चली गई गेंद। ओके मैं साथ खड़ा हुआ ना, नो स्टैग ग्राउंड पे मैं हूँ। आप नहीं है फिर इनका जवाब, फिर इनका जवाब नहीं होना चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया यार, ये आपके भाई का ब्रांड है डब्ल्यूबी में हिमानी, छोटा सा तोहफा है यार। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आदत के जो गेस्ट आता है उसको 1 किलो चिकन देते हैं हम। नहीं भाई, इसमें परफ्यूम्स और सो मैं चाहता हूँ जाते आते कुछ नमाज हमारे पास किसी एक नज़म के कुछ अशआर सुना दो, उसमें खत्म कर दें। वही वाली कोई जी सुनाते हैं 30-40 सेकंड कोई। क्या आप, क्या क्या आपने कहा कि किसी नज़म के या गजल के अप टू यू, अप टू यू। आँख में पानी
भर कर लाया जा सकता है, आंख में पानी भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अब्बास ताबिश की बड़ी खूबसूरत आंख में पानी भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, और एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।